मध्य प्रदेश के 70,000 से ज्यादा बिजली कर्मी मंगलवार से हड़ताल पर चले जाएंगे। यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉयज एवं इंजीनियर्स के बैनर तले वे कामों का बहिष्कार भी करेंगे। ना तो लाइन फॉल्ट सुधारेंगे और ना ही नए बिजली कनेक्शन देने की प्रोसेस करेंगे। ऐसे में आम लोगों के सामने मुश्किलें बढ़ जाएंगी। आउटसोर्स कर्मचारी पहले ही हड़ताल पर चल रहे हैं, जिसका समर्थन भी यूनाइटेड फोरम कर चुका है। संविदा एवं आउटसोर्स कर्मचारी 21 जनवरी से अनिश्चितकालीन आंदोलन कर रहे हैं। यूनाइटेड फोरम ने उनका समर्थन किया है। फोरम के प्रवक्ता लोकेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि 24 जनवरी से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार किया जाएगा। प्रदेश के बोर्ड नियमित संविदा एवं आउटसोर्स कर्मी अपनी मांगों को पूर्ण कराने के संबंध में महा आंदोलन में शामिल होंगे। भोपाल के गोविंदपुरा में धरना प्रदर्शन करेंगे। फोरम के प्रदेश संयोजक KS परिहार ने बताया कि इससे पहले 6 जनवरी को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने वाले थे, लेकिन वे NRI मीट के चलते यह स्थगित कर दी गई थी। हमें आश्वासन दिया गया था कि 15 दिन के भीतर मुख्यमंत्री के समक्ष बैठक कराई जाएगी, लेकिन यह अवधि बीत गई। अब तक कोई बैठक नहीं हुई है और ना ही मांगों पर विचार किया गया। इसी बीच 21 जनवरी से आउटसोर्स कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी है। वे कार्यों का बहिष्कार कर रहे हैं। फोरम उनकी मांगों का समर्थन करता है। मंगलवार से हम भी कार्यों का बहिष्कार शुरू कर देंगे। 24 तारीख से सभी नियमित अधिकारी कर्मचारी हड़ताल पे जाएंगे। यदि इसमें किसी भी प्रकार की विद्युत अव्यवस्था होती है तो उसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी और हम अपने माननीय उपभोक्ताओं से क्षमा प्रार्थी हैं कि ये स्थिति क्यों उत्पन्न हुई, उस पर भी विचार करें, क्योंकि शासन प्रशासन हमारी जायज मांगों को सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए मजबूरी में हमें हड़ताल में जाना पड़ता है।